नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, हमने पहले कई वीडियोस में आपको कई जड़ी बूटियों के बारे में बताया है। उसी कड़ी में आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी लेकर आए हैं जिसे डायबिटीज पेशेंट के लिए स्पेशली रामबाण इलाज माना जाता है। वैसे तो कई औषधियाँ हैं, उन्हीं में से एक है ये पनीर फूल। देखने में कुछ इस तरीके का है और बहुत छोटे छोटे फूल की तरह होते हैं और ये कुछ ऊपर से आपको कश्मीरी लहसुन की तरह दिखने में मिलेंगे, लेकिन दबाने में बहुत सॉफ्ट हैं। वैसे इसे पनीर डोडा भी कहा जाता है। अब आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा कि पनीर का फूल कैसे आ सकता है, ये तो एक डेयरी प्रोडक्ट है। दोस्तों, ये एक जड़ी बूटी है, ये इसका पनीर से कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन आज ये आपको डायबिटीज़ के अलावा क्या क्या फ़ायदे दे सकता है, कौन कौन सी बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है, आज इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा ना, आपको पनीर फूल की अहमियत समझ आ जाएगी कि हाँ, पनीर फूल को तो हमें आज और अभी खरीदना ज़रूर चाहिए। देखिए दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसे बहुत हल्के में हम लेते हैं। एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो हमारी आँखों पर प्रभाव डालती है अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, हमारी किडनी पर प्रभाव डालती है, हमारे नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालती है। अगर ये जो ऑर्गन्स है, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है, यही अगर ढंग से मेंटेन नहीं रहेंगे, ढंग से फंक्शन नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी कैसे ढंग से चलेगी। तो सबसे पहले डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप पनीर फूल को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। देखिए, ये पनीर फूल किस तरह से खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, कैसे खाना है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं फ़ायदों के बारे में। तो हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ के लेवल को, मतलब शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली एक जड़ी बूटी है जिसे खाने से शुगर हमारा कंट्रोल में रहता है। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, जो पनीर फूल होता है ये एक नेचुरल ब्लड प्योरीफायर है जो शरीर में वात का बैलेंस बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। पनीर फूल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण खून को साफ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये डैमेज हुए सेल्स को रिपेयर करने में भी मदद करते हैं और शरीर में मौजूद खतरनाक फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को भी कम करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आपका खून साफ रहेगा तो आपके स्किन पर नेचुरली ही ग्लो आएगा। आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स, एंटी एजिंग या फिर पिंपल्स या फिर एक्ने, जो भी आपके स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो नेचुरली ठीक हो जाएगी अगर आपका खून साफ है। अब बात करते हैं एक और गंभीर समस्या के बारे में जिसका नाम है अल्जाइमर। दोस्तों, अल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की समस्या है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे दिमाग के सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं और स्थिति यहाँ तक आ जाती है, या तो याददाश्त कम हो जाती है, नहीं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब इस समस्या से अगर आपको उभरना है, अगर आपके कोई आसपास अल्जाइमर की समस्या से पीड़ित है, तो उनको प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि पनीर फूल अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि पनीर फूल में न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण मौजूद हैं जो आपको इस समस्या से जल्द उभारने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, कई लोगों में थकान बहुत जल्दी हो जाती है, लो एनर्जी का इशू रहता है, ऐसे में पनीर फूल आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। देखिए, थकान किस वजह से होती है, जब हमारे शरीर में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो ऐसे में आप पनीर फूल को अपनी डाइट में अगर शामिल करते हैं तो ये आपको वो सब न्यूट्रिएंट देगा जो आपके अंदर जिसकी कमी है और जिसके कारण आपको थकान महसूस हो रही है। तो आपको पनीर फूल को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए अगर आपको एनर्जेटिक रहना है। तो पनीर फूल में दोस्तों डायूरेटिक प्रभाव होता है, यानी कि अगर आपके शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूड जमा हो जाता है तो उसे वो यूरिन के ज़रिए बाहर निकालने में मदद करता है। दोस्तों, अगर शुगर कंट्रोल में ना रहे तो उसका प्रभाव किडनी पर पड़ता है। तो अगर किडनी एक्स्ट्रा सोडियम यानी कि सॉल्ट को और वाटर को फ्लश नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में पनीर फूल हेल्प कर सकता है आपके शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूड को बाहर निकालने में। तो ये गुण जो पनीर फूल में है, वैसे तो कई औषधियों में है, लेकिन उनमें से एक पनीर फूल एक ऐसी औषधि है जो ये जिसमें ये गुण भरपूर मात्रा में है। अब ये जानिए कि इसको लेने का तरीका क्या है।
पनीर फूल स्वाद में थोड़ा सा कड़वा होता है, इसीलिए लेने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नौजिया या उल्टी जैसी फीलिंग हो सकती है, तो इसीलिए आप इसको कम क्वांटिटी से शुरू कीजिए। आप स्टार्टिंग में इसको 3 से 4 फूल लीजिए, आप रात में इसको भिगोकर और सुबह छानकर इसका पानी पी सकते हैं, नहीं तो आप सुबह इसको उबाल लीजिए, पानी में उबाल लीजिए, 3 से 4 पनीर फूल की क्वांटिटी के हिसाब से आप पानी में उबाल लीजिए और फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करके उसके पानी को पीजिए और धीरे धीरे आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाइए और मैक्सिमम क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ आप 10 से 12 ही रखिए, उससे ऊपर ना जाए। अगर आपको इसका अर्क पीने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप इसका चूर्ण भी ले सकते हैं। जी हाँ, 1 ग्लास पानी में आपको 1 चम्मच चूर्ण मिलाना है और ये पानी आपको खाली पेट पीना है। खाली पेट पीने से इसका अब्सॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारी बॉडी में काम करेगा। आपको बता दें, आप जब भी इसके पानी को लें उसके 1 घंटे बाद ही आप ब्रेकफास्ट करें, नहीं तो आपका ये ज़्यादा आपके शरीर पर प्रभावी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि चूर्ण की, जैसे कि हमने आपको बताया कि आप 1 चम्मच चूर्ण 1 ग्लास पानी के साथ आप ले सकते हैं, लेकिन कई लोगों को उसमें भी दिक्कत आ सकती है। अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है तो आप मार्केट में खाली कैप्सूल्स मिलते हैं, आप उसके जो चूर्ण होता है आप उस कैप्सूल में 6 ग्राम तक भर लीजिए और डेली खाली पेट ये कैप्सूल खाइए। देखिएगा, ये खाने में तो आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए, इसकी अगर बात आती है कि कब तक इसे लेना है तो 1 से 3 महीने तक लीजिए, फिर आप अपना शुगर लेवल, जो भी डायबिटीज़ लेवल है अपना, उसको चेक करिए। अगर उसमें कुछ घटाव या बढ़ाव आपको दिख रहा है तो उस हिसाब से आप इसको घटा और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, स्किन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में अगर आप इसे भिगो दें, 10 से 12 कलियां इसकी भिगो दें और सुबह इसका लेप बना लें पीस कर और इसको आप अपनी स्किन पे लगाएंगे तो वो भी ज़्यादा प्रभावी रहेगा। इसके अलावा इसके पानी से आप अपना फेस धो सकते हैं, नॉर्मल जैसे आप धोते हैं उस पानी की जगह आप पनीर फूल के पानी से अपना फेस दिन में 1 बार ज़रूर धोएं। देखिएगा, आपकी स्किन तो चमकदार होगी ही और साथ ही आपकी स्किन से जुड़ी जो समस्याएँ हैं वो भी दूर होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये पनीर फूल वैसे तो ईजिली मिल जाएगा लेकिन नहीं मिल पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप प्लीज़ उस पर जाएं और क्लिक करें और पनीर फूल को जल्द से जल्द अपने घर पर मंगाएं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।